हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कश्यप है और आप देख रहे हैं एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज। जो आज की सबसे बड़ी लेटेस्ट न्यूज है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक अपना एक पैगाम जारी किया हुआ है, जिसमें बोला है कि अब रेलवे में सीधी होगी भर्ती, नहीं देना होगा कोई एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। रेलवे ने अपनी आगामी होने वाली जितनी भी एग्जाम है, अपनी स्टेनोग्राफर है, पीए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, क्लर्क है, जितनी भी अपनी आगामी होने वाली एग्जाम है, उन सभी में वो विदाउट किसी एग्जाम के सीधे ही भर्ती करेगा, जिसमें उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो एग्जाम की मार फिरते रहते हैं और एग्ज़ाम को फाइल नहीं कर पाते। ठीक है, अब सीधे ही संविदा कर्मी पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रेलवे भर्ती बोर्ड नियुक्ति करेगा। लेकिन अभी रेलवे ने अपने ये भर्ती बोर्ड को अलग कर दिया गया है और उसकी जगह पर एक कॉन्ट्रैक्ट संविदा कर्मी का स्टाफ नियुक्त किया हुआ है, जिसमें ये इसलिए किया गया है क्योंकि अपनी ये रेलवे बोर्ड को अपने एग्जाम कराने के लिए उसे 1 से 1.5 साल 2 साल तक का टाइम लग जाता था, जिसकी वजह से उसे अपने रिक्त हुए कहीं पदों को देखते हुए उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उसके संचालन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता था। लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये जारी किया है कि अपनी ये तत्काल रिक्त हुए पदों को सीधे ही डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती करके उनको नियुक्ति देना और साथ साथ में उनके 1 साल 2 साल का परफॉर्मेंस देखकर उनको स्थायी करने का मन बनाया है, जिससे ये होएगा कि रेलवे बोर्ड का अपना टाइम बचेगा और उसके संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे अपना रेलवे विधिवत रूप से सुचारू रूप से संचालन होती रहे। तो हाँ दोस्तों, अपने पत्रिका में आपके 8 जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसमें ये आपको स्पष्ट बताया गया था आपका कि उसमें आपको ये बताया गया है कि रेलवे में होने वाली भर्तियों के लिए रेलवे ने अब भर्ती बोर्ड को अलग कर दिया गया है, अब रेलवे सीधी भर्ती करेगा। रेलवे अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने जा रहा है। रेलवे में होने वाली भर्तियों के लिए, भर्ती में खराब होने वाले समय से बचने के लिए रेलवे अब भर्ती बोर्ड से हटकर संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति करेगा। रेलवे कुछ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती करेगा। रेलवे में होने वाली भर्तियों के लिए रेलवे ने अभी हाल फिलहाल 90,000 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। रेलवे कहीं ऑफिसों में स्टेनोग्राफर पीए के लिए संख्या में खाली पदें हैं। अब रेलवे की ओर से सीधी भर्ती के जरिए संविदा पर स्टेनोग्राफर पीए की नियुक्तियाँ करने का आदेश दिया गया है। इसमें रिटायर्ड स्टाफ की आयुक्त नियुक्ति के रूप में प्रश्न पड़ सकी गई है। रेलवे ने डेटा एंट्री ऑपरेटर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की अनुमति दी है। इन भर्तियों के जल्द ही कार्य प्रभावित होने की समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार क्या है, रेलवे ने अपने जो जितने भी अपने आगामी है स्टाफ स्टेनोग्राफर है, पीए है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, एग्जीक्यूटिव है, इन सबकी भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करेगी, जिससे उसे अपने संचालन में कार्य को बाधित करने में कोई परेशानी ना हो। तो जितने भी अपने ग्रुप डी और एएलपी की है उनकी तो एग्जाम करवाएगा, लेकिन जितनी भी आगामी इस ग्रुप डी एएलपी और आरपीएफ के बाद होने वाले एग्जाम है उन सभी को संविदा कर्मी पे रखेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।